हेलो मित्रों, तो जैसे कि मैं नीचे जा रहा था, आसाम जा रहा था, तो हमारे यहाँ पे एक टर्नल बन रहा है, मतलब कंप्लीट होने को है। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, बाद में आप लोग यहाँ से चल सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि शॉर्टकट सा बन गया है जगह, तो दिखाऊंगा आप लोगों। तो ये है आपका बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, क्या है नेचीपू, ओके नेचीपू टर्मिनल ना। तो ये बन गया, ये खुल गया क्या? अभी बना रहा है, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ ना। अच्छा, और कितना दिन लग सकता है? अच्छा, इसमें चलने का कुछ चार्जेस लगेगा या ऐसे फ्री है? थोड़ा अंदर जाके देख सकता है? ओके चलिए, तो थोड़े आगे जाके देख लेते। तो ये आप लोग देख रहे हो ना, मुझे लगा कि बहुत दूर है। अगर ये बाई रोड जाओगे तो कितना लग सकता है? अगर हम लोग समझ रहे हो ना, अगर हम लोग बाई रोड जाओगे और ये जो टर्मिनल का जो दूसरी साइड है वहां पहुंचने को हम लोग को लग सकता है करीबन आपका 35 मिनट्स या 40 मिनट्स। और आप लोग देख सकते हो यहाँ से कुछ मिनट, देखियो इतना शॉर्ट, मतलब समझ रहे हो, इतने सामने। मैं आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां पे काम चल रहा है, तो ऐसे बात है। तो देख लिया आप लोगों ने, तो ऐसा बात है कि बहुत ही सामने, अगर आप बाई रोड जाओगे ना तो बहुत दूर है, तो यहाँ से इतना सामने दिख रहा है, तो काफ़ी सामने है, तो बहुत ही अच्छा बात है, क्योंकि स्ट्रेटली शायद कटिंग होने की वजह से ऐसा है। चलो अच्छा बात है। वीडियो तो देख लिया मित्रों आप लोगों ने, इतना सामने। अभी देखो, अभी हम लोग आप लोगों को बाई रोड दिखाएंगे और कितना टाइम लग सकता है वो सब बताएंगे। तो मित्रों, ये है टनल की दूसरी साइड पे, जो कि मैंने कहा था कि मैं सेंटर का आप लोग को शूट करके दिखाऊंगा, पर मैं शूट नहीं कर पाया बिकॉज़ मेरा बैटरी था जो था वो मतलब काफ़ी लो हो चुका था और मैं शूट नहीं कर पाया। तो मुझे ये साइड दिखाना था, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा बैटरी बचा के रखा था, क्योंकि मैंने मोबाइल को चार्ज नहीं किया था, कल रात को किया था, इसलिए किया ही नहीं था, इसलिए यार था। तो ये साइड पर निकलता है वहाँ से, तो ये कम्प्लीट होने को है, कुछ महीना लगने को है, एक दो महीना शायद।